अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्तमस और आप लोग देख रहे हैं क्या अमंग अस गेम खेलना सही है या फिर बुरा। आप में से काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि अमंग अस गेम खेलना कैसा है, तो आइए पहले जान लेते हैं कि इस गेम का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली स्पेसशिप होता है जिसमें 5-10 बंदे होते हैं, ये एक मल्टीप्लेयर गेम है। अब इनमें से कुछ इम्पोस्टर्स होते हैं, मतलब आप भी इम्पोस्टर बनते हो, कभी कोई और बंदा बन जाता है। अब इम्पोस्टर का क्या काम होता है कि जो बंदा नॉर्मल है उनको ये धीरे धीरे किल करता है और उन्हें टास्क से रोकता है ना। और इस पर वोटिंग होती है जिसमें झूठ बोला जाता है कि मैं इम्पोस्टर नहीं हूँ, ये फलाना इम्पोस्टर है। इससे पहले मैंने रोस्टिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी कि किसी का मजाक उड़ाना हराम है। अब बात आती है झूठ पर, तो ये गेम पूरा का पूरा झूठ पर बनाया गया है। और भले ही झूठ गेम में बोला गया हो, पर झूठ झूठ होता है, लेकिन मैं आपको फिर भी कहता हूँ कि आप इस गेम को खेल सकते हो। लेकिन 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 एक सच्चे बिलीवर के लिए यह हराम है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ बोलने की आदत आदमी को बुरे रास्ते पर डाल देती है। हमेशा झूठ से बचो, क्योंकि झूठ गुनाह तक और गुनाह जहन्नम तक ले जाता है। जो धोखा दे, झूठ बोले, वो हम मुसलमानों में से नहीं। और अल्लाह ने तो साफ साफ कह दिया कि झूठों पर अल्लाह की लानत है, अब चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। और ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि जो हम देखते हैं वही हम सीखते हैं। देखो, अगर आप खेलना चाहते हो तो मैं आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, पर ये गेम एक सच्चे मुसलमान के लिए हराम है। बाकी आपकी मर्जी, मैं तो आपसे बस इतना ही कहूंगा कि जो वक्त आप इन गेमों में बर्बाद करते हो इसे अच्छी जगह यूज करो, इन्हीं वक्त में खुद को एजुकेट करो, ताकि जो मैं आगे आपको बातें बताऊं उसके लिए आप खुद को तैयार कर लें, और तभी हम एक मुस्लिम आर्मी कहलाएंगे, द आर्मी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। واخر الدعوان الحمد لله رب العالمين